रबॉन स्टेडियम मुंबई शाम के 7:30 बज रहे हैं और यहां पर एक धमाकेदार मुकाबला होने वाला है वेमेन्स आईपीएल का, रॉयल चैलेंजर्स वर्सेस यूपी वॉरियर्स। पहले 3 मैच हार के बाद अब बैंगलोर जीत की राह ढूंढना चाहेगी इस मैच में। आज पूरी जान झोंक देने वाले बैंगलोर, और ये रहे दोनों टीम्स के लाइनअप आपके सामने। स्मृति मंदाना कप्तान बैंगलोर की और एलिस हीली यूपी वॉरियर्स की। सिक्का उछला है स्मृति मंदाना ने, एलिस हीली ने कहा हेड्स और यहाँ पर गिरा है टेल्स। बैंगलोर टॉस जीतकर पहले करेगा बल्लेबाजी। पहली गेंद इस मैच की, ओ अंपायर ने वाइड नहीं दी इस गेंद को। यस, गैप ढूंढा है, पहला चौका आरसीबी के इनिंग्स का। हवा में गेंद थी, बैट से कनेक्ट हुई है, एज लगी है, पहला विकेट भी गिरा है आरसीबी का। यहाँ पर पहला विकेट खोते हुए आरसीबी, सोफी डिवाइन 4 रन बनाकर आउट। हवा में गेंद, फील्डर मौजूद, एलिस पेरी को जाना पड़ेगा। बिना खाता खोले एक शॉट लगाया था पर टाइमिंग थोड़ी सी सही नहीं थी, इस वजह से फील्डर के हाथ में दे बैठी पेरी। 5-2 है आरसीबी, पहले ही ओवर में 2 विकेट खो चुके हैं और ये लंबा छक्का, 2 विकेट के साथ पहले ही ओवर में छक्का भी मिला है स्मृति मंदाना कप्तान, अच्छी शुरुआत करती हुई। हवा में गेंद इस बार और लीजिए दूसरा छक्का आरसीबी का, और ये मिसफील्ड, यहां पर 4 रन मिलेंगे। और सीधा खेला है, जोर से खेला है, 4 रन देकर जाएगी। गैप खूबसूरत स्मृति मंदाना, और सेम शॉट सेम रिजल्ट, 50 हो गए आरसीबी के। और ये गए स्मृति मंदाना का बड़ा विकेट, यहां पर एज लगा, बॉल थोड़ी सी शॉर्ट की थी, एलिस हीली ने अच्छा कैच पकड़ा और बड़ा विकेट स्मृति मंदाना, 32 रन, अच्छी पारी थी। हवा में गेंद है, फील्डर नीचे आ रही है कैच पकड़ने, कंप्लीट करेंगी कैच, 4th विकेट आरसीबी का। ये मैच भी आरसीबी के लिए मुश्किल होता जा रहा है, और एक विकेट गिर गया आरसीबी का, और ऋचा घोष 11 रन बनाकर आउट। स्पिनर्स ने थोड़ा सा शिकंजा कसा हुआ है, फील्डर नीचे आ रही है, कैच नहीं पकड़ पाएंगी, 6 रन। देखिए चांस था पर मिस कर दिया, और एक छक्का मिला आरसीबी को। राजेश्वरी गायकवाड़ ने अभी तक अच्छी गेंदबाजी की है और दूसरा विकेट भी ले लिया है। आरसीबी खतरे में लग रही है इस समय, विकेट की पतन जारी है। दिशा के साथ 7 रन बनाकर आउट। हवा में गेंद है और इस बार चौका, हवा में गेंद इस बार भी फाइन है, फील्डर है पर चौका मिलेगा। सीधा खेला है, तेज गई है गेंद चौके के पार, और यहां पर अपील की है, मुझे लगता है ये आउट है, अंपायर ने उंगली खड़ी कर दी है पर यहां पर रिव्यू लिया है। और देखिए लाल बत्तियां जली है सारी की सारी, जाना पड़ेगा मैगन स्कट को 9 रन बनाकर। आखिरी 9 गेंद है आरसीबी के इनिंग्स की, और ये एच लगा है पर भाग्यशाली चौका 99 पे 6, और ये 22 का रन लेने की कोशिश। यहाँ पर मुझे लग रहा है अपील की है, पहुंची है शायद, नहीं पहुंची है, यहाँ पर आउट आएगा थर्ड अंपायर का फैसला। श्रेयांका पाटिल बिना खाता खोले आउट। सीधा खेला है, तेज है गई है गेंद, 4 रन, और ये बढ़िया थी गेंद, पैरों पर डाली थी पर 4 रन। ये भी सीधी गई है, ये तीसरा चौका, और यहां पर 1 रन मिलेगा। थ्रो अच्छा था, और यहां पर ओवर थ्रो की कोशिश, फील्डर, और ये गई, ये विकेट है, ये पहुंची नहीं थी, देखिए थोड़ी दूर थी। 8वां विकेट गिरा आरसीबी का, रेणुका सिंह बिना खाता खोले आउट। आखिरी गेंद आरसीबी के इनिंग्स की, हवा में उछली है गेंद, फील्डर नीचे, आसान कैच, 9वां विकेट, और इस तरह से 113 पे 9 समाप्त किया आरसीबी ने अपनी पारी। एक अच्छा टोटल हम इसे कहेंगे,
और देखिए स्मृति मंदना ने शुरुआत अच्छी की थी, बाद में हीदर नाइट ने आकर थोड़ी अच्छी पारी के लिए इसके बदौलत 113 रन बना पाई और 9 विकेट खो दिए। यहाँ पर बॉलिंग अच्छी रही यूपी की भी, सरवानी को छोड़कर सबको विकेट मिले और अब बैंगलोर को ये रन बचाने होंगे पहले जीत के लिए और यूपी को चाहिए होंगे 114 रन। मिलते हैं सेकेंड इनिंग्स में। हीली और शरावत ओपनिंग करेंगी यूपी के लिए। रेणुका सिंह पहला ओवर करेंगे और डॉट गेंद ओवर वन, हवा में गेंद और छक्का पहले ही ओवर में, बढ़िया शॉट एलिस हीली का, हवा में गेंद, फील्डर मौजूद, कप्तान स्मृति मंदना पकड़ेंगी कैच। पहला विकेट यहां पर शरावत को जाना पड़ेगा, सीधा हाथों में आसानी से गेंद आई कप्तान के और यहाँ पर शेरावत बिना खाता खोले आउट। ओह ये पैरों पर की थी, शॉट थी, 4 रन मिले। शॉट गेंद ज्यादा हो रही है, बढ़िया गेंदबाजी, ये भी शॉट थी पर इस बार दिशा दिखाई है, चौका बटोरा है, ये बढ़िया शॉट, खूबसूरत 4 रन। और देखिए हवा में गेंद, फील्डर नहीं पहुंच पाएंगी। आरसीबी ने बॉलिंग का तरीका बदला है अपना, शॉट कर रही है गेंदे पर और एक चौका इसमें, ये भी बढ़िया शॉट है, तीसरा चौका इस ओवर का। गाड़ी ट्रैक पर आती हुई यूपी की और ये फील्डर नहीं है, चौथा चौका इस ओवर का, 20 रन, बड़ा ओवर। और ये गैप ढूंढा है, 50 रन पूरे यूपी के। ओ ये बढ़िया गेंद थी, शरीर पर निशाना साधा है, बढ़िया गेंद थी, शॉर्ट गेंद से आज परेशान किया है यूपी को और ये बैट को लगी है और ये विकेट है, देखिए दूसरा विकेट यहाँ पर, देखिए बैट को लगा फिर पैड को लगा, दुर्भाग्यशाली एलिस हीली और 27 रन, ये बड़ा विकेट है। ये थोड़ी वाइड गेंद थी, शॉर्ट टी पर उसी दिशा में छक्के के लिए भेजा है, क्या शॉट था, यहाँ पर खूबसूरत शॉट देखने मिल रहे हैं इस मैच में। ओहो हो शॉर्ट गेंदों से परेशान और यहाँ पर ये क्या हो रहा है, बॉल यहाँ पर बैट से शरीर से लगी, माफ कीजिएगा, फिर जाकर धीरे धीरे स्टंप को लगी, बैटर का भी ध्यान नहीं वहां पर, देखिए ये विकेट इन डिस्गाइज था, अनलकी डिसमिसल, तालिया मैगराथ 11 रन बनाकर आउट। ओ बढ़िया, आप 13 गेंदों में 40 रन चाहिए, 12 गेंदों में 33 रन चाहिए, हवा में गेंद और ये छक्का, यूपी अभी भी इस मैच में जिंदा है, अभी भी फैसला नहीं हुआ है कि कौन जीतेगा। ये बढ़िया शॉट, यहाँ पर देवी का वैद्य खाता खोलते हुए चौके के साथ, 7 गेंदे 25 रन और यहाँ पर ये भी गैप में निकल जाएगी, आखिरी ओवर में चाहिए 21 रन, ये कड़ा मुकाबला होने वाला है, पहली गेंद आखिरी ओवर की 6 रन, किरण नागवीरे यहाँ पर 46 पर पहुंच गई है और मैच क्लोज होता हुआ, 15 की दरकार, 5 गेंदों में मिड ऑन नहीं है, लॉन्ग ऑन भी नहीं है, चौका मिलेगा और इसी के साथ किरण नागवीरे अपना अर्धशतक पूरा करेंगी, ये है तब तक यूपी की उम्मीद कायम है। 3 गेंदों में 10 चाहिए और यहाँ पर एक डॉट गेंद, जी हाँ यहाँ पर 2 गेंदों में अब 10 रन चाहिए, इस गेंद पे पता चलेगा रिजल्ट और ये भी डॉट गेंद, यूपी गवा चुकी है ये मैच, आखिरी गेंद एक औपचारिकता और यहाँ पर फील्डर कहाँ है, गेंद वहां पर है और यहाँ पर 1 रन भागेगी और इसी के साथ 9 रन कम पड़ गए और बैंगलोर 8 रन से मैच को जीत चुका है, एक क्लोज एनकाउंटर था ये और बल्लेबाजी में एलिस हीली 27 और किरण नागवीरे 50 रन, बढ़िया पारी थी पर आखिरकार अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाई ये पारी। और अब बॉलिंग में देखेंगे सबसे किफायती गेंदबाजी सोफी डिवाइन ने की, शॉर्ट गेंदे सारे बॉलर्स ने की और एलिस पेरी ने आखिरी ओवर में अपने टीम को इस मैच में जीत दिलाई, किरण को मिला मैन ऑफ द मैच और मिलेंगे आपके साथ अगली बार।